दोस्तों, इस तरीके की रेसिपी बनाने के लिए ये ब्रेड पकौड़े हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या लगता है, कैसे बनते हैं, उसके लिए आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा। और ये बहुत ही स्पॉन्जी है, ये देखिए, और बहुत ही कम ऑयल में बनेगा ये। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज धवज की रसोई में हम ब्रेड के एक यूनिक नाश्ता बनाएंगे। तो ये हमने ब्रेड ले लिए हैं इस तरीके की। ये रेसिपी बनाते हैं, एक यूनिक नाश्ता बनाते हैं। उस नाश्ते के लिए हमने सामान कट करके रखा है। ये पत्ते हैं, एक प्याज है, ऑनियन पत्ते हैं 100 ग्राम, और कस्तूरी मेथी, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, और ये शिमला मिर्ची जो कि लाल, इस तरीके से कट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये उबले आलू है, हमने 3 आलू कट करके उबाले थे इस तरीके से। अब इनको हम मिक्स करेंगे। कर ली हमने ऑन, अब उस पर रख देते हैं ऑयल गर्म होने को। ऑयल लेंगे, सब्जी बनाते हैं उस चम्मच से, 1 चम्मच के करीब इस तरीके से किस लेंगे। आप चाहे तो मिक्स करके भी बना सकते हैं, या इस तरीके से कद्दूकस कर सकते हैं। हमने आलू कद्दूकस कर लिए उबले हुए, और हमारा साथ में ऑयल भी गर्म हो चुका है ये। अब इसमें हम राई डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। राई पकाएंगे अच्छे से, और जीरा छोड़ेंगे हम 1/2 टीस्पून के करीब। सौंफ छोड़ेंगे 1/2 टीस्पून। हींग है ये 1 चुटकी, उसको भी छोड़ेंगे। और ये खड़ा धना के दाने हैं, उसको भी छोड़ेंगे हम। इसमें ही पकाएंगे, क्योंकि हमारी प्याज कटी हुई थी, उसको ऐड करेंगे हम, 1 मीडियम साइज की प्याज। ये सूखे सारे मसाले पक जाए ना, जीरा, सौंफ, धना वगैरह, जिसके बाद में हम प्याज ऐड करेंगे इसमें। और हमारे ऑनियन पत्ते हैं 1-2 पत्ते, उसको भी डालेंगे हम। आप ऑनियन पत्ते हो तो डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारे पास अवेलेबल था तो हमने इसमें यूज़ किया। गोभी पत्ते डालेंगे जो कि हमारे फ्रेश धोए हुए कटे हुए हैं, उसको भी ऐड करेंगे इसी में, इस तरीके से। सब्जियां आप जो चाहे ले लो, गाजर हो, मटर हो, या फिर और भी सब्जी, शिमला मिर्ची वगैरह ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो इसमें सब्जी। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनेगा, बच्चों को तो बहुत पसंद। लाल मिर्ची ऐड करेंगे हम, हरी मिर्ची 2 से 3 कटी हुई जो कि हमारी, उसको भी ऐड करेंगे इसी में। हमें हल्का हल्का सॉर्ट आउट करना है ऑयल में, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। और हाँ दोस्तों, ये शिमला मिर्ची ऐड करेंगे हम। हमारा वीडियो पूरा देखना दोस्तों, तभी आपको हेल्दी नाश्ता बनाना सीखेंगे आप। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और ये हमारे हरी चटनी आदि ना, उसके डंडी होती है नरम वाली, वो है 2 से 3 डंडी, उसको भी कट करके हमने इसमें ऐड करेंगे। ये भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ करना, वरना इसको भी स्क्रिप कर सकते हैं। और हमको हल्का हल्का इन्हें सॉर्ट आउट करना है। हम तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में धूप में ही बनाते हैं, गैस वगैरह सब धूप में रख लेते हैं। हमारा तो चूल्हा भी धूप में, तो हम धूप में बना रहे हैं। आप तक देखना, और ये हल्का सा सॉर्ट आउट हो जाए, बस हल्का सा। और ये हमारा हल्का सा कलर चेंज हो गया है सब्जियों का। हमें इसका क्रंचीपन रखना था, कच्चापन, इसलिए आपको अगर कच्चापन पसंद नहीं है तो इसको पका भी सकते हैं। इसमें सूखा मसाला ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हमारा धना पाउडर, और 1/2 टीस्पून हमारी लाल मिर्ची पाउडर जो कि कम तीखी है, आप तीखा टेस्ट का है तो तीखा लेना। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसको भी इसी मसालों के साथ ऐड करेंगे। और थोड़ी सी हम शक्कर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून से भी कम। नमक स्वाद अनुसार लेंगे, अमचूर मसाला लेंगे 1/2 टीस्पून। इसमें आप चाहे तो और भी खटाई ले सकते हैं, नींबू वगैरह की। हम इसमें नींबू और अमचूर दोनों ही लेंगे। हमें इन मसालों को पकाना है इसी में, सब्जियों में, इस तरीके से। मसाला हमारा पक चुका है, अब हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे इस तरीके से। मसाला भी पका है हमारा, मसाले हमारे पक चुके हैं, तो अब हम इसमें जो कि कद्दूकस किया था हमने उबले आलू, उसको ऐड करेंगे इसमें, मसालों में, सारे मसालों में ऐड करेंगे, सारे कद्दूकस किए हुए आलू को। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, वीडियो कट कर करके ना देखा करें, हमें वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, टाइम भी लगता है। इसको हम मिक्स करके हल्का सा सॉर्ट आउट करेंगे। आप चाहे कद्दूकस ना करें ना, तो इस उबले आलू रहते हैं, उसको मिक्स करके भी बना सकते हैं। इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से आलू मेंगे हम। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब।
मैगी मसाला है हमारा, उसको ऐड करेंगे हम तरीके। एक है हमारा टीस्पून तो लेना है इसमें वाला, ये लगेगा। और अब ये दोनों मसालों को भी हम इसमें मिक्स करेंगे। हमें आलू बहुत टाइम तक पकाना नहीं है, सिर्फ एक मिनट ही पकाना है, क्योंकि आलू तो हमारे पके बॉईल किए हैं, उबले हुए हैं, तो ये पके पहले से ही है, खाली हमें मसालों में मिक्स करना है इन्हें। तो इस तरीके से का रस ऐड करेंगे, हाफ नींबू का एक चम्मच के करीब रस इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा खटाई वाला चाहिए था। आप कम खटाई डालें ना तो आमचूर आमचूर से बना सकते हैं, या नींबू रस से। और कर दिया। और हरी चटनी ऐड करेंगे, हरी चटनी के पत्ते, हरे धने के, इस तरीके से, इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, इस तरीके से। जब हरी चटनी डाल देना तो गैस बंद कर दीजिए। और हमारी आलू की फिलिंग ठंडी हो रही है ना, तब तक हम इसके लिए घोल बना लेते हैं बेसन का। हमारा आखिरी स्टेज पे ये दाने हरे हैं धने के, बेबी दाने, उसको ऐड करेंगे हम। तब गैस बंद कर देना हम, ये ठंडी होगी तब तक। हमारा एक कप बेसन है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। हमारा डेढ़ कप बेसन ऐड करेंगे, डेढ़ कप बेसन बनेगा पार का नाश्ता। और ये हमारा हाफ टी स्पून जीरा है, अजवाइन इस तरीके से मिक्स करके हम हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन डालेंगे। अजवाइन बेसन का कुछ भी बनाए ना तो अजवाइन जरूर डालें दोस्तों। अजवाइन क्या है, आलू हमेशा गैस बनाते हैं तो अजवाइन से फायदा। हाफ टी स्पून से कम हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे इसमें, जैसे हम पकौड़े के घोल बनाते हैं ना उसी तरीका डो बनाना है। ये हमारा नमक, स्वाद अनुसार नमक लेंगे इसमें। और ये हरे धने के पत्ते हैं, उसको ऐड करेंगे कट किए हुए, बारीक चॉप किए हुए। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची ले सकल लेंगे सारे मसालों को इस तरीके से। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर तो ज़रूर ऐड करना है। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसको हम हल्का हल्का पानी डाल के डो बना लेंगे अच्छा सा, एक जैसे हम पकोड़े के भजिया के बनाते ना उसी तरीके का डो बना। हल्का हल्का पानी डाल के अनुसार, और इसे हल्का हल्का पानी डाल के एक बैटर बना। देखिए इस तरीके आना है, ये इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, थिकनेस देख लीजिए, इस तरीके का बैटर हमें बनाना है। तो ये हो गया तैयार, फिलिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। अब चलते हैं अगले स्टेज पे। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल लेना हमें 200-300 ग्राम के करीब ऑयल, हमारे जो रेसिपी निकलेगी ना इसमें तो अच्छे से डीप हो जाए। तो ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। ये हमारा ब्रेड है, तो हमने ब्रेड कितने ली, कितने हैं ये हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने 7 ब्रेड है, तो 7 ब्रेड के 7 पकोड़े बनेंगे। तो इस तरीके के ब्रेड है, हमें इसमें से कुछ नहीं निकालना है, खाली ब्रेड पैक में से निकालना है और यूज़ करना है। तो ये ब्रेड तरीके से हमने लिए ब्रेड, ये हमारी ये आलू फिलिंग से ब्रेड में रखी, और इस तरीके से सारे ब्रेड में हमें इस फिलिंग को फैलाना है, आलू मसाले को इस तरीके से दीजिए। और बच्चों के लिए हेल्दी है और टिफिन में बेस्ट चॉइस। इस तरीके से दूसरे ब्रेड उसके ऊपर रखा और अच्छे से प्रेस करा इस तरीके से, इस तरीके। और ये हमारा बेसन का बैटर है, इसमें इस तरीके से डिप करना हमें, इस तरीके अच्छे से डीप। हमारी ऑयल वाली गरम कढ़ैया ऑयल की, उसमें ऑयल में हमें हल्के से छोड़ना है इस तरीके से। और हमारा एक बार ऑयल गरम कर ले और फिर कम आंच वाले ऑयल में गरम तेल में सेक, नहीं तो ये जल जाएंगे, अंदर से सिकेंगे नहीं और बाहर से जल जाएंगे। साइड से सिक जाए जब, इसे दूसरी साइड से आराम से पलटना है इस तरीके से, आराम से पलटना है, एक साइड का हल्का सा सिक जाए फिर, नहीं तो बेसन ही है चिपक जाएंगे, कच्चे उल्टेंगे। और दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हम सेक लेंगे, ये बहुत ही ईजी बन जाते हैं। और हमें अच्छे से इन्हें उलटते पलटते सेकना है। ये अच्छे से पक चुके हैं, इसको निकाल लेंगे हम इस तरीके से, आराम से इस तरीके से। हम एक ब्रेड उठाएंगे और उसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहले बनाया, इस तरीके से सारे उसमें फिलिंग फैलाएंगे और इस तरीके से कोट कर, इस तरीके से दूसरा ब्रेड उठा के उस पर रखेंगे इस तरीके से, और अच्छे से प्रेस करेंगे इस तरीके से, इस तरीके। और हमारे जो बेसन का डो है ना, उसमें इस तरीके से बेटर में डिप करेंगे
कैसे? अच्छा, ड्राई बेसन में ऑयल में इसको आराम से धीरे से ऐड करेंगे। सारे इसी तरह से सेक लेंगे दोस्तों। हम सारे इसी तरीके से निकाल लिए, पका लिए हमने। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्रेड पकोड़े अवस्था के अनुसार और इसे एकदम तो हमने सारे इसी तरह से सेक लिए हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे रेडी है। हमने केचप के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहे तो हरी चटनी और पुदीना चटनी या और भी सॉस वगैरह के साथ, इसको दही वगैरह के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है, बहुत ईजी बन जाते हैं और बच्चों को टिफिन में बहुत ही बेस्ट चॉइस है। कितने स्पॉन्जी बने ना, बहुत स्पंज बने हैं ये देखिए, कितने नरम सॉफ्ट एक और बहुत टेस्ट। हम एक को कट करके बताएंगे कि अंदर की हमारी फीलिंग है वो किस तरीके से बनी है। इस तरीके से देखिए, ये देखिए कितना बेस्ट एक रेसिपी है दोस्तों। और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी है। ये देखिए कितना टेस्टी है ना, और बहुत ईजी बन जाता है। तो वीडियो पूरा देख